नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम शहडोल के श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर में हो रहे गंभीर अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अस्पताल में डायलिसिस प्रक्रिया की जिम्मेदारी गणेश कुशवाहा के हाथों में थी, जिसके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही इस प्रक्रिया का विशेषज्ञ ज्ञान। इसके चलते कई मरीजों की मौतें हुई, जो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के CMHO S. सागर ने इस घोटाले को छिपाने के लिए अपने स्टाफ गोपी लाल की डिग्री का फर्जी इस्तेमाल किया। यह न केवल चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का संकेत है, बल्कि मानव जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने इस मामले की सख्त जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 3 सप्ताह के भीतर अस्पताल की सभी अनियमितताओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इन मौतों और फर्जीवाड़ों की जाँच बेहद आवश्यक है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। ये वक्त है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और इस घोटाले में शामिल सभी लोगों को सख्त सजा दिलाए। हमें उम्मीद है कि यह न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित। क्या है पूरा मामला? शहडोल का श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर विवादों में। शहडोल श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यहां डायलिसिस प्रक्रिया का संचालन करने वाले गणेश कुशवाहा के पास न तो डायलिसिस की कोई डिग्री है और न ही कोई विशेषज्ञता। इसके परिणाम स्वरूप कई मरीजों की मौत होने की घटनाएं सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य चिकित्सालय के CMHO S. सागर ने श्रीराम हॉस्पिटल और प्रबंधक को बचाने के लिए अपने स्टाफ गोपी लाल की डिग्री का फर्जी इस्तेमाल किया है। ये गंभीर आरोप तब सामने आए हैं जब हाल ही में उच्च न्यायालय ने अस्पताल की गतिविधियों की जाँच का आदेश दिया। मृत्यु की घटनाएं और जाँच का आदेश। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने शहडोल के CMHO को आदेशित किया है कि वे उन सभी मरीजों की डायलिसिस से हुई मौतों और महिलाओं की डिलीवरी के कारण होने वाली मौतों की जांच 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। फर्जीवाड़े के सबूत। अस्पताल में हुई जांच में कई फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र पाए गए हैं। गणेश कुशवाहा और गोपीलाल के बीच बयानों में विरोधाभास ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। भ्रष्टाचार का खुलासा। कलकत्ता के R.G. कर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर संजीव घोष की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें उनकी बेनामी संपत्ति और 20 करोड़ का फॉर्म हाउस उजागर हुआ है। इन घटनाओं से ये भी संकेत मिलता है कि CMHO शहडोल के श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। शहडोल का श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है, जहां अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले का केंद्र बिंदु है गणेश कुशवाहा, जो इस अस्पताल में बिना किसी डिग्री और विशेषज्ञता के डायलिसिस की प्रक्रिया करता रहा है। परिणाम स्वरूप कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इस अस्पताल और इसके प्रबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर जब अस्पताल के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। गणेश कुशवाहा, जो डायलिसिस की प्रक्रिया कर रहा था, के पास न तो कोई आधिकारिक डिग्री थी और न ही इस काम का कोई विशेष ज्ञान। सवाल उठता है कि कैसे एक अनपढ़ व्यक्ति इतने संवेदनशील काम को संभाल सकता है। क्या अस्पताल प्रशासन इस पूरी स्थिति से अनजान था, या फिर यह जानबूझकर की गई लापरवाही थी? इसके साथ ही स्वास्थ्य चिकित्सालय के CMHO S. सागर पर आरोप है कि उन्होंने श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर और इसके प्रबंधन को बचाने के लिए अपने स्टाफ सदस्य गोपी लाल की डिग्री का फर्जी उपयोग किया। मौतों का सिलसिला और न्यायिक हस्तक्षेप। श्रीराम हेल्थ केयर सेंटर में डायलिसिस के कारण कई मरीजों की मौत हो चुकी है, और अब सवाल यह है कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। अस्पताल में प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत के मामले भी सामने आए हैं, जिसने प्रशासन और चिकित्सीय तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए शहडोल के CMHO को आदेश दिया है कि वे 3 सप्ताह के भीतर अस्पताल में हुई सभी मौतों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अब तक स्थानीय प्रशासन ने इन गंभीर घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने अस्पताल को बचाने के लिए फर्जी रिपोर्टें तैयार की और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के सबूत। जाँच में कई फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। गणेश कुशवाहा और गोपी लाल, जो अस्पताल से जुड़े थे, उनके बयानों में विरोधाभास स्पष्ट रूप से देखा गया। गणेश ने दावा किया कि वह पिछले 3 वर्षों से अस्पताल में सहायक के रूप में काम कर रहा है, जबकि अस्पताल के डॉक्टर रोहित दुबे ने कहा कि गणेश का डायलिसिस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे विरोधाभासों ने इस पूरे मामले को और अधिक पेचीदा बना दिया है। इसके अलावा अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने भी अपने बयानों में विरोधाभास दिखाया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा किया गया है।
इन घटनाओं ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। भ्रष्टाचार का और बड़ा खुलासा। कलकत्ता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर संजीव घोष की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। घोष पर भी फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी बेनामी संपत्ति, जिसमें 20 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस भी शामिल है, उजागर हुआ है। ये घटना दिखाती है कि किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। इस घटना ने ये संकेत दिया है कि यदि शहडोल के CMHO S. सागर को गिरफ्तार किया जाता है तो शायद और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। आम आदमी के लिए न्याय की लड़ाई। राजेश कुमार विसनदासानी, जो इस मामले को उजागर करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ने कहा कि उन्हें न्यायालय की इस कार्रवाई से उम्मीद जगी है। उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की है कि वे CMHO को गिरफ्तार कर उनसे इस पूरे मामले की गहन जांच करें। विसनदासानी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग के उस भ्रष्ट तंत्र को उजागर करता है, जहां पैसे और रसूख के बल पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और लोगों को न्याय मिल सके।